ये सिंपल चाउमीन का रेसिपी है, इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बहुत इजी है बनाना। बस ध्यान आपको कुछ जगह पे ये रखना है कि चाउमीन ज़्यादा ना उबले, कम भी ना उबले। ज़्यादा उबलेगा तो हलवा टाइप का हो जाता है, कम उबलेगा तो कच्चा लगता है। तो अब यहाँ पे आप देख लो सब्ज़ी में आप क्या क्या डाल सकते हो। जो सब्ज़ी भी आपको घर में अवेलेबल है, आपको लगता है आपको अच्छा लगता है, आप उसमें काट के डाल सकते हो। पत्ता गोभी, प्याज, शिमला मिर्च, ये सबका फेवरेट रहता है। तो पहले पानी गर्म करना, उसके बाद जब वो खौल जाए तब उसमें चाउमीन मिलाना। पहले नहीं मिलाना तो फिर एस्टीमेट नहीं मिलता, वो ऊंचा नीचा हो जाता है। तो हमेशा चाउमीन चेक करते रहना, जब हो जाए तो उसको 80% जब हो जाए तभी निकाल लेना, बाकी 20% वो अपने में पक जाता है। फिर कढ़ाई चढ़ाओ, आँच तेज रहनी चाहिए, उसमें जब तेल एकदम गर्म हो जाए तब लहसुन डालो, फिर अपना उसी टाइम पे प्याज और अदरक भी डाल दो। इसको एक बार चला के जस्ट मिक्स करके छोड़ दो ताकि वो उस पर थोड़ा सा चार आ जाए, मतलब थोड़ा सा जब लग जाता है कढ़ाई से तो अच्छा लगता है, ज़्यादा चलाना नहीं इसमें। फिर सब्ज़ी डाल लो, सब्ज़ी डाल के भी फिर से छोड़ दो थोड़ी देर के लिए ताकि उसमें चार आ जाए। फिर अपने आप पत्ता गोभी डाल लो, पत्ता गोभी में थोड़ा सा काली मिर्च और नमक डाल लिया, अभी अच्छे से मिला लिया, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ देना इसको भी ताकि थोड़ा सा वो जब चार आ जाएगा तो उससे स्मोकी फ्लेवर आता है, वो अच्छा लगता है। ये जब हो जाए इसको एक प्लेट में करके निकाल लो, निकाल लो और फिर इसमें दोबारा से तेल डालो। और अब क्या कर रहे हैं हम इसमें कि हम चाउमीन को फ्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा भूज रहे हैं, उससे अच्छा लगता है, पापा को अच्छा लगता है, तो मैंने कहा चलो ठीक है कर लेते हैं। अच्छा, जब चाउमीन फ्राई हो जाए तब आप इसमें सारे अपने सब्ज़ी फिर से डाल लो, डाल के अच्छे से चला लो, ज़्यादा नहीं चलाना नहीं तो सब ज़्यादा ही मिक्सअप हो जाता है। तो थोड़ा बहुत चला के अच्छे से मिक्स करके फिर इसमें अभी देखो ये सोया सॉस गया, चिली सॉस गया और अदरक और लहसुन और मिर्च की एक चटनी थी, वो रेड पेस्ट उसका था, वो डालो, उसको चलाओ थोड़ी देर, बस दो तीन बार डाल के चाउमीन डन। इतना ही है बस काम, ज़्यादा नहीं चलाना, बस अब ये हो गया, इसको निकाल लो, बस दैट्स इट, डन एकदम।